जी हाँ दोस्तों, बस 3 दिन इस चीज को खा लो, शरीर का एड़ी से चोटी तक बड़े से बड़े रोग हो जाएंगे जड़ से खत्म। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बादाम का प्रयोग वैसे प्राय हम सब करते हैं, आप बादाम जरूर खाते होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको बादाम के फायदे कितना मिलते हैं। आमतौर पर लोगों को केवल इतना ही पता होता है कि बादाम खाने से ये थोड़ा पौष्टिक होता है, बादाम खाने से हमारे शरीर बनते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे जो औषधि गुण छुपे होते हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी बादाम को आपको सूखा नहीं खाना चाहिए। जब भी आप बादाम खाते हैं तो भिगा करके खाना चाहिए क्योंकि बादाम में हाई प्रोटीन होता है दोस्तों, जिसे हमारे शरीर पचा नहीं सकते। तो कभी भी भूल करके सूखा बादाम नहीं खाना है। जब भी बादाम खाते हैं तो पानी में भिगा करके छिलके हटा करके खाना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आपके पीठ पर हैं जो छाती है वहाँ पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम खुद करके देखे थे। एक बार इसका हमें साइड इफेक्ट बाद में झेलना पड़ा था। तो हम जानकारी वही बताते हैं जो कि प्रयोग खुद किए होते हैं या हम कई लोगों को कराए होते हैं। तो बादाम क्या है थोड़ा सा जानते हैं। तो बादाम एक प्रकार के वृक्ष हैं जिसका लगभग 8 मीटर ऊंचा और मध्यकार का होता है। बादाम का फूल सफ़ेद रंग का होता है, हल्का लाल रंग का होता है, और बादाम का जो फूल है वो फल में लगना शुरू हो जाते हैं। जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो मार्केट में ला करके लोग इसे बेचते हैं। इसकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। देश विदेश में भी बादाम का प्रयोग होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बादाम को हिंदी में बादाम के नाम से ही जानते हैं, अंग्रेजी में इसे आलमंड के नाम से जानते हैं, और अलग अलग इलाकों में हो सकता है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता हो। जैसे कि जो बंगाली होते हैं उसमें बिलियाती के नाम से जानते हैं, कागजी के नाम से जानते हैं, लौज के नाम से जानते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसे आपके किस नाम से जाना जाता है हमें ज़रूर बताना। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से बीमारी में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। बादाम के सेवन से दूर होती हैं शारीरिक कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उनको 7 ग्राम भिगोए बादाम, 7 ग्राम अश्वगंधा, 1 से 2 ग्राम पीपली और 1 से 2 ग्राम काली मिर्च को अच्छी प्रकार से मिला करके पीस करके पाउडर बना ले, और इसमें आप चाहते हैं तो दोस्तों दूध में मिलाकर के आधा चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को पी सकते हैं। आपके शरीर के हर प्रकार की कमजोरी दूर हो जाते हैं। स्टेमिना को भी बढ़ाने का काम करते हैं। भूख की कमी में भी इसका प्रयोग होता है। कई लोग भूख न लगने या कम भूख लगने या फिर खाने के प्रति अरुचि जैसे समस्या से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को बादाम सुबह छिलके हटा करके खाना चाहिए क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन भी होते हैं जो कि आपके शरीर में भूख खुलाने का काम करते हैं, चेहरे की झुर्रियों को दूर करने का काम करते हैं, ये शुक्राणु की संख्या को भी बढ़ाने का काम करते हैं। मैं जो भी वीडियो बताता हूँ, जानकारी बताता हूँ, खुल करके बताता हूँ, फिर बाद में चल करके बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर जी हमें ये जानकारी दीजिए, हमें वीर्य में वृद्धि करना है और गाढ़ापन लाने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीर्य संबंधी विकार कई लोगों की ज़िंदगी को नीरस बना देती हैं। ऐसे में देखने को ये मिलते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को वीर्य संबंधी समस्या होती है उनको पिता बनने में परेशानी होने लगती हैं। इससे उनकी पारिवारिक जीवन से जो खुशियां होती हैं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो वो लोग बादाम का प्रयोग कर सकते हैं। बादाम खाने से क्या होते हैं ये आपके शरीर में, आप ऐसा कर सकते हैं, बादाम खाएंगे, 2 बादाम आपको रात में भिगा देना, सुबह छिलके हटा करके खाना है, साथ ही साथ आपको 1 चम्मच की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण भी इसके साथ में प्रयोग कर लेना है। ये आपके शरीर में वीर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। दांतों के रोग में भी इसका प्रयोग होता है। बादाम खाने के फायदे में दोस्तों आप जो है दांतों संबंधी बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। जैसे कि आपके दांत में दर्द होते हैं तो इसके छिलकों को जला लीजिए और नमक में मिला करके जहाँ पे दांत दर्द होते हैं वहाँ पे भर दीजिए। ये दांतों के कीड़े को बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। दांत के दर्द को ठीक करते हैं। कामोत्तेजना गुण लाने का काम करते हैं। शरीर में स्वप्न दोष को ठीक करने का काम करते हैं। साथ ही साथ स्तन में दूध की वृद्धि करते हैं ना, जो माता बहनें जिनके स्तन से कम दूध निकलती हैं अगर बादाम खाते हैं तो ये दूध को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही मासिक धर्म विकार में भी इसका प्रयोग होता है। बादाम का अगर बादाम को पीस करके इसका पेस्ट बना लिया जाए और अगर लड़की अपने वजीना में इसे रखते हैं तो मासिक धर्म के समय होने वाले जो पीड़ा रहती है उसमें काफ़ी आराम मिलते हैं। आंतों की बीमारी को भी यह दूर करने का काम करते हैं। कफ निकल रहे हैं उसे भी यह दूर करने का काम करता है। घाव है, फोड़ा फूंसी है, इसे भी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे कि छोटे या बड़े सभी को फोड़ा होते हैं तो ऐसे में बादाम के बीजों को पीस लें और इसका जो पेस्ट है घाव पर, इसका जो लेप होता है घाव पर लगाना होता है, इससे घाव और फोड़ा फूंसी में लाभ होता है। इसके साथ ही चर्म रोग हैं ना, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, तो चर्म रोग एक ऐसा रोग है जो कि आसानी से ठीक नहीं होता। तो यह रोग अगर शरीर के
किसी अंग पे हो जाए तो फिर दोस्तों इसे ठीक करना मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे में बादाम को पीस करके थोड़ा सा हल्दी मिला करके इसका पेस्ट लगाइए, बिल्कुल ही दाद, खाज, खुजली है, चर्म रोग है, ठीक हो जाते हैं। वीडियो आखिरी करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिनको अगर अच्छी तरह से आँख दिखाई नहीं देती उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा डेली के 100 और बादाम खाएं, ये आँखों के रोशनी को 4 गुना तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो में बताएंगे थोड़ी भी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी बताता हूँ ये प्राचीन ग्रंथ से ही बताता हूँ। हाँ, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी जो चैनल है वो नहीं है। आप इसका प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदाचार्य के दिशा निर्देश में रह करके या उनके संपर्क में रह करके या पूछने के बाद ही प्रयोग करें, क्योंकि हर किसी की तासीर अलग अलग होती हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।